हम बात करने जा रहे हैं अपने ऊर्जा सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल सिस्टम के बारे में। इसका नाम सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल सिस्टम है, बर्निंग सिस्टम भी इसे बोला जाता है, इसे इंसिनेटर भी बोला जाता है। इसे यूज करने के पहले हम इंश्योर कर लेंगे कि प्रॉपर हमारा अर्थिंग लगा हुआ है कि नहीं। अर्थिंग का हमने प्रॉपर यहाँ सिस्टम दिया हुआ है तो लगाने के पहले अर्थिंग जरूर अपना तय कर लें। हमने वार्निंग भी यहाँ प्लेस की हुई है। अब मैं इसे ऑपरेट करने का प्रोसीजर बताता हूँ। पहले हम इसे मेन स्विच से ऑन कर लेते हैं, लाइक ओवन रेफ्रिजरेटर जैसे प्लग इन करते हैं वैसे इसको भी हम लोग प्लग इन करते हैं। हम लोगों ने इसे पूरा टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हम यहाँ से प्लग इन करते हैं तो हमारा टेम्परेचर यहाँ शो आउट करने लगता है। ये हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है जिसमें हम लोगों ने इसमें प्रॉपर डिवाइसेस लगाए हुए हैं। ये हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये हमारा ऑन एंड ऑफ का शो इंडिकेटर जहाँ लाइट शो करती है ऑन ऑफ का। ये हमारा मेन का सप्लाई है, मीन्स मेन लाइट शो करता है। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉपर है। इमरजेंसी स्टॉपर इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम इसके थ्रू इसको बंद कर सकते हैं। प्रॉपर दोबारा ऑन करने के लिए इसे एक बार सिंपली रोटेट कर देना रहता है तो हमारा मशीन फिर से ऑपरेशन कंडीशन में आ जाता है। ये हमारा वेस्ट लोडिंग डोर है जिसके थ्रू हम लोग यूज सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स इसमें डालते हैं। कोशिश किया जाता है कि एक एक करके नैपकिन डालें और एक से दो नैपकिन डालने के बीच में कम से कम 2 से 3 मिनट का अंतराल डालें। 2 से 3 मिनट का अंतराल रहना चाहिए एक से दूसरे नैपकिन के डालने के बीच में। यह हमारा एस्ट्रे है जहाँ हमारा राख इकट्ठा होता है सैनिटरी नैपकिन जलने के बाद। अब प्रॉपर स्मोक आउटलेट के लिए हम लोग ने 10 फीट की चिमनी दी हुई है। कस्टमर्स को हम लोग ने बेनिफिट दिया है कि 10 फीट की हम लोग इलास्टिक चिमनी देते हैं जिसके थ्रू हमारा स्मोक जो है प्रॉपर बाहर की तरफ डिस्पोज हो जाए, बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाए। अब आपको कोई भी समस्या इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो कस्टमर केयर नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। अगर मशीन आपको परचेज करना है, मशीन आपको चाहिए तो हमने कंपनी का डिटेल्स यहाँ मेंशन किया है विद कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मशीन परचेज। ओके, थैंक यू फॉर दैट।